इस कलर का वैसे नाम क्या है? रोज गोल्ड। रोज गोल्ड। हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई दिखाएगा आपको बहुत ही प्यारी मॉडिफाइड अपनी स्विफ्ट रहने वाली है। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा दिखाते हैं और बहुत ही प्यारी मॉडिफाइड है। तो भाई देखो, अपनी ये वाली गाड़ी रहने वाली है और बहुत ही प्यारी भाई ने मॉडिफाइड कर रखी है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये गाड़ी रहने वाली है अपने खुश भाई की। तो खुश भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई। आप तो एक बार बता दो, कहाँ से हो आप? भाई मैं गुड़गांव। गुड़गांव से। और गाड़ी जो है अपना कौन सा मॉडल है ये? 2021 का VXI मॉडल है अपना। तो 2021 का VXI मॉडल है अपना। और कितनी चला दी है ये अभी तक आपने? भाई मैंने चला दी 39,000। मतलब आपने नई ली थी गाड़ी? ना भाई, मैंने सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड ली थी। तो कैसे, मतलब दिमाग में आया? इसका ओरिजिनल कलर क्या है पहले ये बताओ? वाइट कलर है। कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ हटके कराया जाए? भाई मैंने एक ही गाड़ी पे देखा है। किस पे? ये मैंने सबसे पहले देखा मर्सिडीज़ पे। मर्सिडीज़ पे? हाँ जी। तो कंपनी देती है ये कलर या फिर अलग से कराया? अलग हुआ से ही है भाई। अलग से कराया हुआ। तो इस कलर का वैसे नाम क्या है? रोज गोल्ड। रोज गोल्ड कलर है। तो भाई पहले मैंने देखी नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो मर्सिडीज़ पे आपने देखा, मैंने तो देखी नहीं है। सबसे पहले मर्सिडीज़ देखी, फिर एक भाई की गाड़ी है सिर्फ उसकी देखी, उसके बाद भाई तीसरी मेरी है। अच्छा, और ये कराया कहाँ से आपने? मैंने भाई दिल्ली से कराया, कस्टम का नहीं, HR26 कस्टम। HR26 कार कस्टम से? तो मतलब हमें सागर भाई से कराया। तो क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी इसकी? भाई रैप रैप किया है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का रैप रैप अपना। तो भाई रैप की क्वालिटी की बात करें तो भाई बहुत अमेजिंग है। और वारंटी वगैरह भी कुछ मिली होगी? वारंटी तो क्या भाई, 3-4 महीने चलाना है। 3-4 महीने चलाना? तो इसके बाद भी मतलब कुछ प्लानिंग है? हाँ, उसके बाद कुछ और हटके। और अभी कितना टाइम हो गया अपने को कराए हुए? भाई से हो गए महीना 5 दिन। अच्छा, एक महीना 5 दिन हो चुका। तो मतलब जल्दी ही चेंज होने वाला है, जल्दी होता है। तो भाई ये बताओ, जैसे फ्रंट से मैं देख रहा हूँ कि ये DRL जो है अपनी वाइट में आती है, आपने मतलब क्या कराया हुआ है कि ये कलर ही चेंज है? ये RGB लाइट है, कोई भी लगा। अच्छा, चेंज हो जाती है अंदर, मतलब इसमें RGB लाइट लगवाई हुई है। और ये अपनी ओरिजिनल वाली लाइट है या? अच्छा, ये स्मोक कराई हुई है पूरी। और इसके अंदर LED वगैरह तो अपनी आती है कंपनी से, बाकी RGB लाइट इसमें इंस्टॉल करा रखी है। तो क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी इसकी? RGB की पड़ गई थी मेरे को शायद 3500 रुपये। 3500 रुपये के आसपास। और बात करें अपनी RS ग्रिल की? भाई ये भी इतने की है, 4,000 रुपये की थी। 4,000 रुपये मेरे ख्याल से दिल्ली से कराई होगी आपने? ना, ये भी वहीं से कराया सब कुछ। अच्छा, HR26 कार कस्टम से। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, उसके बाद मैंने वहीं से कराया सब कुछ। अच्छा, एक्सीडेंट हो गई थी ये गाड़ी। तो कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट हुए वैसे? एक्सीडेंट भाई जब से कराया उससे 10 दिन पहले। अच्छा, जब ये कराया उससे 10 दिन पहले। तो सारा काम वहीं से करवा दिया कंप्लीट? बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो आप तो सेफ थे ना? हम तो सेफ है, अगला वाला रॉन्ग साइड था। वैसे बिल्ड क्वालिटी को क्या कहना चाहोगे मारुति की? बिल्कुल 0 स्टार। 0 भी नहीं है, नीचे है धरती में। अच्छा, -10 है। तो भाई देखो, भाई ने फ्रंट से ऐसी बना रखी है। और IPS लग रहे हैं या अपने दूसरे प्रोजेक्टर हैं? दूसरे हैं, IPS का ही बोलते हैं, LED वगैरह कसते हैं। ये इनबिल्ट LED वाले हैं? नहीं, इनबिल्ट नहीं है।
तो अलग से लगाई हुई है एलईडी, तो कितने वोट की एलईडी लगा रखी है? वो लगाई थी मैंने 300 वोट की, अच्छा था बट नीचे गिर गई। ये तो होता है देखो शिफ्ट में थोड़े से ना इसके अंदर का जो पार्ट है ना वो थोड़े से लूज रहते हैं। ये आप देखो ना ये जो दिक्कत आ रही है, हाँ ये हल्की सी टच होने पे ना ये बम्पर में गैप, यहाँ ये दो चीज होती है, ये दोनों बैंड हो जाती है जब होता है, एक बैंड हाँ। है तो ये हुआ है, परले वाला हुआ है तो ये हुआ नहीं है, वैसे ये हुआ है। ये मतलब थोड़ी सी लग जाती है ना फिर बम्पर गैप बन जाता है। अब मतलब मैं आपको ये साइड दिखाता हूँ, यहाँ कोई बंदा ऐसे करके खड़ा हो गया, अभी बैंड है ये रहा। हाँ ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है और थोड़ा सा यहाँ पर है, इतना नोटिस नहीं हो रहा, बाकी है फर्क तो है। और बात करें भाई जी अपना साइड प्रोफाइल में, तो कितने इंच के अलॉय व्हील लगवा रखे हैं? 17 इंच के। और ये है अपने कौन से कंपनी के? भाई कंपनी तो पता नहीं, पर ये है कि 32,000 रुपए के अलॉय दिए थे। 32,000 रुपए के अलॉय भाई ने एक ने रिव्यू किया आपके साथ वाले में। उससे पहले मेरे एक और थे वो टूट गए, फिर मैंने एक और डलवाए वो भी टूट गए भी है। तो ये अपने हैं कौन से कंपनी के वैसे? भाई टायर तो मिशलिन के, अलॉय की पता नहीं मेरे को, जानकारी नहीं, मैंने नाम पढ़ा ही नहीं, ब्लैक करवा रखा है। बाकी भाई देखो प्रोफाइल तो उसकी दिख नहीं रही, टायर स्टिकर वगैरह लगा रखा है, एनएसए नाम है शायद इनका, एनएसए नाम है। तो टायर भाई देखो नाम भी नहीं दिख रहा थोड़ा, और प्रोफाइल वगैरह भी नहीं दिख रही। बाकी टायर स्टिकर मतलब गाड़ी पे ना टायर स्टिकर लग जाते हैं ना तो मजा आता है, एक तो अलॉय और टायर स्टिकर भाई उससे ही बढ़िया लग रही है। स्विफ्ट जैसी गाड़ी में ना मतलब ये वाला मॉडल आपको, अच्छा एक बात बताओ आपको 2024 वाली पसंद आई है या ये वाली? भाई ठीक है, देखो अभी चलाई तो है नहीं। उसमें ना मतलब अपने पावर फिगर्स वगैरह भी सब कम कर दिया है, बाकी इसमें तो ये था ना कि इसको ले लो, इसमें अलॉय डलवा दो बस। भाई पावर आपने वरना की देखी है ना, चला के देखना अगर वरना से कम निकल जाए तो। भाई वो तो आपने काम कराया हुआ है, बोलेरो खींच दी इसने। अच्छा क्या कुछ काम कराया हुआ है क्या? काम ये तो बताने की चीज नहीं है, पर अगर किसी के मन में हो हाँ इसके बराबर की टक्कर की गाड़ी हो तो भाई गाड़ी छोड़ दूंगा। मतलब भाई करा रखा है आपने, तगड़ा ही काम है भाई, बताने का नहीं है पर जो भी है तगड़ा है। अच्छा तो अपने डोर हैंडल वगैरह आपने ब्लैक करवा रखे हैं या फिर आए थे? ये ब्लैक करवाए हैं भाई। अच्छा ब्लैक करवाए, चक्कर में ब्लैक करवाए हैं, फिर हटवा दूंगा आपको। ये मतलब रैप के साथ ही कलर मैचिंग में करवा देते, ब्लैक थोड़ा मैच हो जाता है। और बाकी जैसे ये अपना रैप कितने का पड़ गया था भाई? ये रैप 25 का था। और टोटल कॉस्ट आई थी मेरे को 35,000 रुपए। अच्छा बाकी जो अलॉय वगैरह ब्लैक करवाए थे, पेंट किए, लाइट थी आरजीबी करके, ग्रिल थी। और आपने सी से ब्लैक नहीं करा रखे भाई? मम्मी बीमार है तो रोज दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छा रोज की भसूड़ी है, रुक के 500 का नोट दो फिर वो छोड़ेंगे हर जगह। और मम्मी के साथ में, मम्मी बीमार हैं तो बीमार है, टाइम लग जाता है फिर हॉस्पिटल में हाँ। नंबर आने में टाइम लग जाएगा, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, वाली बात है इसलिए हटा ही रखा है। बाकी तो, बाकी भाई पीछे से अगर बात करें तो पीछे क्या क्या करा दिया भाई? मैंने एक तो डिफ्यूजर लगा रखा है। तो ये वाला भाई डिफ्यूजर, इसकी ना लुक भी भाई बढ़िया आती है, जो एक छोटा वाला आता है और ये थोड़ा वो बेकार लगता है, उसमें चार साइलेंसर दे रखे हैं। ये स्मोक करा रखी है भाई। तो भाई ये पूरी ब्लैक करा रखी है बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये अपनी ओरिजिनल वाली है ना? हाँ ओरिजिनल है। और ये स्पॉइलर है अपना मॉन्स्टर वाला। तो ये कहाँ से लगवाया था आपने और कितने का लगवाया था? वहीं लगवाया, 4500 रुपए का था। 4500 रुपए का ये तो मैंने जब ही लगवाया था जब गाड़ी आई थी। अच्छा साथ में ही काम करा लिया था मतलब पूरा। और ये डिफ्यूजर वगैरह की बात करें तो ये भी जब लगाया था, ये लगाया था शायद 3300 रुपए का। 3300 रुपए का। तो एक बार डिग्गी खोल के दिखा देते हैं, डिग्गी में अपना क्या हो रखा है? डिग्गी में भाई मेरा सिस्टम फुका हुआ है। अच्छा मेरे पास चार बेस है, दो एक बार फुकी, अब कुछ नहीं है। तो कौन सी बेस है मतलब अपनी? दो तो पाइनर की थी 1300 वोट की, और दो वो थी क्या नाम है रॉकफोर्ड की। अच्छा वो थी 250 RMS। तो अभी मतलब वो खराब हो गई है? वो खराब हो गई, अब भाई वो चल रहे हैं 500 RMS के मंगवाए हैं, वो आएंगे जब लगेंगे। अच्छा अभी कौन से मंगवाए हैं? अभी भाई CA के मंगवाए हैं। CA के मंगवाए हैं तो उनका तो रिस्पांस भाई बढ़िया ही होगा भाई, पता नहीं अभी चेक नहीं किया ना, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन दिखाऊंगा आपको भाई। बाकी भाई ने देखो यहाँ पे JBL के स्पीकर लगवाए हैं अपने, ओवल स्पीकर। और यहाँ पे भाई देखो वायरिंग वगैरह आपको देख के लग ही रहा होगा कि पूरा सिस्टम का काम रखा है। भाई आपके पास कोई पिक्चर वगैरह कुछ वीडियो तो होगी? भाई वीडियो है मेरे पास साउंड की। तो भाई वीडियो आपको इधर डाल दूंगा मैं, और वो जरूर देख लेना भाई आप। और अंदर से चलो अंदर से दिखाते एक बार। ये देखो अपना गाड़ी जो VXI में आती है, VXI में पावर विंडो वगैरह सब कुछ आती है। और गाड़ी का ओरिजिनल कलर है भाई अपना वाइट। तो ये बताओ कि अंदर से आपने क्या क्या करा दिया भाई? मैंने अंदर यहाँ JBL के कंपोनेंट लग रहे हैं,
JBL के मतलब अपने चारों डोरों में लगवा रखे हैं, दो डोरों में फ्रंट में कंपोनेंट लग रहा है JBL के और पीछे भी कंपोनेंट है वर्ल्डटेक के। अच्छा, पीछे वर्ल्डटेक के कंपोनेंट लगवा रखे हैं, लग रहे हैं और भाई मिड रेंज लग रही है। हाँ, ये अपनी पैनासाउंड की भाई मिड रेंज वगैरह लगी हुई है। 3 एम्प थे, 2 एम्प बचे हुए हैं, कोई अच्छा के ले गया तो 1 एम्प भाई अभी यहाँ लगा हुआ है। और ये सीट कवर वगैरह, हाँ जी, ये सीट कवर वगैरह जो है कंपनी फिटेड वाले कंपनी के रख रखे हैं, पसंद नहीं है वो, बेकार है, फट जाते हैं ये तो, चलते रहे हैं ये कंपनी वाले। इनमें बात तो है भाई, बढ़िया आती है क्वालिटी इनकी, बढ़िया है भाई। मेरे को बाहर से दिखानी है, अंदर से तो क्या ही फायदा दिखाने का। और अंदर से आपने वैसे और क्या क्या करा रखा है भाई? मैंने अंदर यही स्पीकर का ही काम करा रखा मैंने। अच्छा, कितने एम्प लग रहे थे अपनी गाड़ी में टोटल? भाई 3 थे, एक को उतार के दे गया इसको। अच्छा, अभी 2 लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। हाँ जी भाई। और सिस्टम आपने मंगाई रखा दूसरा, तो वो लग जाएगा भाई, आ ही जाएगा कुछ दिन में, फिर आपको सुनाई देंगे कैसा है। बाकी भाई VXI में ये आता है या आपने करवाया हुआ है? भाई यही आता है, मैंने चेंज कराया नहीं, मेरे पास एंड्रॉइड रखा है मेरी पहली गाड़ी का, पर मैंने लगाया नहीं इसमें आज तक। अच्छा, मतलब इसकी पावर बढ़िया है? पावर बढ़िया है, इसकी आउटपुट बहुत बढ़िया है, उसका थोड़ा सा ऐसा ही है खस्तड़ सा, ये ठीक है। और कितनी चला दी आपने भाई? मैंने चला दिया 39,000। 39,000 चला दी है अपनी गाड़ी, तो भाई देखो 335। तो एक बार म्यूजिक सिस्टम सुना देते अपना, जो नॉर्मल स्पीकर वोकल वगैरह तो बढ़िया चल रही होगी ना? वोकल वगैरह तो बढ़िया चल रही है भाई। अपना हेडफोन वगैरह लगा लेना, प्ले कर दो। अपनी वोकल तो बढ़िया है, बाकी कमी थोड़ी सी बेस की रह गई है। बेस की कमी रह रही है भाई, वो भी दो या तीन दिन में पूरी कर देंगे। बाकी आपने मंगाई रखा है CA के अपने 500, तो भाई देखो बेस वगैरह लगने के बाद तो एक नंबर का मजा आएगा। वोकल वगैरह तो भाई बहुत सही में बहुत क्लीन और तगड़ी आ रही है भाई। वोकल की यही है कि ऊपर पहुंचता जा रहा है, और डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, है ना, स्पीकर के ऊपर डिपेंड। और बात करें अगर म्यूजिक सिस्टम में, अभी आपने कितने पैसे लगा रखे हैं भाई? बहुत बैठ जाएगा, एक बार बता ही दो। एक मेरा बैठ जाएगा 50 से 55 हज़ार रुपए, 50-55 हज़ार के आसपास। और ये जो अभी बेस आपने मंगाई है उसको इंक्लूड करके या हटा के? हटा तो के। वो कितने की मंगाई है? रेट ही नहीं पता मेरे को। अच्छा, रेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है? रेट कंफर्म नहीं हुआ, वो बता रहे हैं भेज देंगे जब ही बता देंगे। बाकी उसके एक कस्टमाइज पेटी और 2 सबवूफर आएंगे। पेटी का तो मेरे को रेट पता है ना, 5500 बताया था, बस स्पीकर का नहीं पता। स्पीकर बोल रहे थे कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, पहले तो 6,000 का था, 6 या 7 का। तो वो भी सारी चीजें मतलब आपको जब पता चलेंगे, जब वो सारा सामान आ जाएगा, आ जाएगा भाई मेरे पास। हाँ, तो बाकी आपको गाड़ी में कोई कमी लगी तो आप मनाली वगैरह घूम कर आ चुके हो भाई? मैं हर जगह घूम लिया इससे। हाँ, और ये जैसे कलर है, ये आपने दूसरा कराया हुआ है, तो इसके लिए कुछ रोकते हैं पुलिस वाले भाई? आज तक तो देखो रोका नहीं है। एक बार दिल्ली में गए थे, बत्ती तोड़ दी थी, उसके लिए रोका था, कलर के लिए इतना बोला भी। बाकी रिकमेंड करोगे किसी को भाई? करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई खास वो नहीं है कि हाँ भाई फिल्म के चक्कर में रोकते हैं, और फिल्म भी छूट जाती है, ऐसा कोई नहीं है भाई। हमारी 3-3 दिन भी थाने में खड़ी रही है, अब तो मम्मी की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, वरना सब कुछ ऐसा ही था। जो भी अपने रिस्क पे करा सकते हो, हाँ रिस्क पे कराओ, ये है कि भाई तुम्हारी जेब में गांधी है तो खूब कराओ भाई। हाँ भाई, रिकमेंड तो देखो करते ही नहीं किसी को भी, किसी को। हाँ कलर के लिए करता हूँ मैं, कलर के लिए कोई इतना रोकता भी नहीं है। कोई नहीं रोकता इतना, बढ़िया कलर। तो भाई ये थी कुछ वीडियो और सारी डिटेल मैंने आपको बताई दिया भाई। सिस्टम का भाई इसमें अपग्रेड होने वाला है बढ़िया, और कलर में भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप? हैं कलर में कर रखी है भाई। अच्छा, और टोटल कॉस्ट की अगर बात करें अभी तक कितने रुपए लगा रखे हैं आपने? भाई मैंने लगा रखे हैं 2-3 के, 2-3 से मतलब 3 के आसपास लगा रखे। अपने गाड़ी में अंडरबॉडी लाइट भी लगी हुई है भाई, हटा दी मैंने, हटा दी है, हटा दी लगी। कुछ चल रहा है मतलब प्लानिंग, या फिर ऐसे ही हटा दी? ऐसे ही हटा दी बस। अच्छा, कोई मतलब दिक्कत आ गई होगी? हाँ, नीचे टिकती है तो लाइट नीचे निकलती है। मतलब नीचे थोड़ी लग जाती है तो फिर लटकने लग जाती है, क्योंकि सारी बैंड कर रखी है मैंने नीचे से। अच्छा, मतलब टिकाते रहते हो? तो मनाली वनाली आप घूम कर आ चुके हो? बढ़िया, तो लगता है कि हाँ शिफ्ट से मजा है भाई, बढ़िया है।
ये बोलता है ना कोई एवरेज एवरेज नहीं है भाई कुछ भी। अच्छा एवरेज नहीं, आलोय वगैरह लगा के तो एवरेज है ही नहीं वैसे भी। 11-12 हाँ। तो भाई ये थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो और गाड़ी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हाँ जी भाई, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी एक बार बता दो। भाई मेरी है TWR_3135। तो भाई इंस्टाग्राम आईडी आपको इस साइड में दिख जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना भाई को। ठीक है।